से सफेद बालों को अगर जड़ों से काला बनाना चाहती हैं फ्रेंड्स, तो आज मैं आज आप लोगों के साथ में बहुत ही अमेजिंग सी रेमेडी लेकर आई हूं, जिसका यूज करके आप अपने बालों को नेचुरली ब्लैक कर सकती हैं। उसके लिए फ्रेंड्स आपको लेना है यहाँ पे करी लीव्स। देखिए मैंने इसे ड्राई करके रख लिया है पहले से ही, और लोहे का पैन आपको लेना मस्ट है। करी लीव्स आपको लेना है दोस्तों। करी लीव्स में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है, जिसका मैं नियमित रूप से यूज़ करते रहती हूँ, और इसके बेनिफिट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सफ़ेद बालों की अगर मैं बात करूँ, तो सफ़ेद बालों को जड़ों से काला बनाने के लिए करी लीव्स बहुत ही अच्छा काम करती है। तो करी लीव्स को आपको लेना है, कुछ इस तरह से ड्राई करके रख लीजिए, और वैसे फ्रेश वाली भी आप ले सकती हैं, ठीक है, बट ड्राई लेंगे तो ये आसानी से आपको जो मैं प्रोसीजर बता रही हूँ वो करने में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करी लीव्स को ले लिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारे पास मेथी दाना, जो कि हमारे बालों को लशर प्रोवाइड करती है, और मेथी दाना से हमारे बाल जो है वो नेचुरल तरीके से काला होना स्टार्ट होते हैं। तो आपको कॉम्बिनेशन इन सारी चीज़ों का रखना है। मेथी दाना लीजिएगा एक बड़े चम्मच, और यहाँ पर आपको लेना है करी लीव्स के पत्ते। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ हेना पाउडर, जो कि है मेहंदी। ये देखिए 2 बड़े चम्मच के तकरीबन आपको इसमें मेहंदी मिलाना है, और इसमें 1 बड़े चम्मच के तकरीबन आपको मिलाना है। ये देखिए 1 बड़े चम्मच आपको यहाँ पे, 1 से 2 बड़े चम्मच आप ले सकते हो इंडिगो का पाउडर। और इन सारी चीज़ों को हमें प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी वाटर की। यहाँ पे पानी डाल करके अच्छी तरह से इसे हम बॉईल कर लेंगे। 1 कप आपको पानी डालना है, और इसे 1/2 कप में टर्न कर लें। अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं, और इसे हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे रखा है, और ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। सारी इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। अब गैस के फ्लेम को हम यहाँ पर बंद करेंगे। अब आप एक सेफ बाउल में इन सारी इन्ग्रीडियंट्स को अच्छी तरह से छान लीजिए। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको ये मिल जाएगा वाटर, देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ गया है फ्रेंड्स। जब भी आपको लगे कि आप अपने बालों को नेचुरली डाई करना चाहते हैं, तो बस आप इस घोल को प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप इसके अंदर मेहंदी मिला लीजिए, और मेहंदी मिला करके अपने बालों पे, जैसे इसमें कॉफ़ी, मेहंदी और कत्था, ब्राउन कत्था, ये भी मिला सकते हो। मिला करके फिर आप इसमें एक गाढ़ा सा पेस्ट बना करके अपने बालों पे इसका यूज़ करिए। इसे कम से कम 1 से 2 घंटे आप ज़रूर अपने बालों पे रखिए, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा बेटर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो मेहंदी की जो क्वांटिटी है आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेहंदी डाला है, आप इसमें आंवला भी डाल सकते हो। और आंवला डालने से क्या होगा फ्रेंड्स, और भी ज़्यादा कलर आपको डार्क देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो एक नेचुरल सी डाय है जो मैंने आप लोगों को आज बताई है, आप इसे बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा, देखिए, और अपने बालों पे इसे लगा करके इस एप्लीकेशन को अपने बालों को नेचुरली आप काला बना सकते हो। सो फ्रेंड्स कम से कम इसे 45 मिनट्स तो ज़रूर अपने बालों पर इसे रखिए, ताकि बालों में इसकी बहुत ही अच्छी से कलर जो है वो आ जाए आपके बालों में। और इंडिगो और जैसे मैंने आप लोगों को बताया आंवला और मेहंदी, इनके कॉम्बिनेशन से बाल बहुत ही अच्छी तरह से काले हो जाते हैं। एक नेचुरल सी डाई बोल सकते हो आप, बहुत ही अच्छे से आपको ये मिल जाता है। तो इस तरह से हमारी जो रेमेडी है वो रेडी हो जाती है फ्रेंड्स। और कोई कॉमेंट है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। चलिए फ्रेंड्स मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे। पूरा ठंडा हो जाए तभी अपने बालों पे, जब ये एकदम, अभी तो ये गर्म है, जैसे ही ठंडा हो जाएगा और भी गाढ़ा हो जाएगा, तो आप इसे अपने बालों पे अप्लाई करिएगा।